तो हीट ट्रांसफर स्टार्ट करते हैं हम लोग और थ्योरेटिकल एनालिसिस कर लेते हैं ये क्लास को। उसके बाद देखोगे बेसिक जो होगा मेंस लेवल तक का जो आएगा टेस्ट जैसा भी रहेगा अच्छे से दे देना, और उसके बाद तीन क्लास और लेंगे सिर्फ इस पे न्यूमेरिकल डिस्कशन पे। ओके आ जाओ। चलिए हीट ट्रांसफर जैसा नाम देता है, हीट ट्रांसफर कहने का मतलब क्या होगा, हीट एक जगह से दूसरे जगह, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे ट्रैवल करता है, समझ गए। हीट ट्रैवल करने का मतलब है हीट एनर्जी जो होता है एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में पर ट्रैवल करता है, उसी को क्या बोलेंगे, हीट ट्रांसफर। ओके सो ट्रैवलिंग ऑफ हीट एनर्जी। इन अ स्पेस। ओके आप जैसे कि यहाँ पे समझो इसको सिंपल सा, जैसे करंट फ्लो करता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, पानी फ्लो करता है हाइट से नीचे डेप्थ में, समझ गए। सो इस तरह से वाटर के फ्लो के लिए क्या चाहिए, हाइट, क्या हो गया पोटेंशियल डिफरेंस हो गया हाइट का डिफरेंस। करंट के फ्लो के लिए क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस। अब हीट के फ्लो के लिए क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस। ओके अगर मान लो एक हॉट बॉडी है दूसरा कोल्ड बॉडी है, दोनों को हम टच में लाएंगे या फिर टच नहीं भी कराएंगे तो जो है कि एक हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में हीट का इंट्रैक्शन हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि टच कराए। ओके सो हीट ट्रांसफर में बात करते हैं तो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर पढ़ते हैं, कितने तरह के क्या हीट ट्रांसफर होता है, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर पढ़ेंगे आप, याद रखोगे, बेसिक बहुत बेसिक है और इसको हमेशा याद रखेंगे। हीट ट्रांसफर में बेसिकली थ्री मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर पढ़ते हैं, तीन तरीके से हीट ट्रांसफर किया जा सकता है, पहला कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन, तीसरा रेडिएशन। ओके कंडक्शन में क्या होता है, बेसिकली सॉलिड में जो हीट का ट्रांसफर होता है एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन वो थ्रू कंडक्शन होता है, बेसिकली मेटल की बात करेंगे तो सॉलिड में जो है हीट का ट्रांसफर होता है वो क्या होता है, मेनली ड्यू टू कंडक्शन, और फ्लूइड की बात करेंगे गैस एंड लिक्विड तो उसमें मेनली ड्यू टू कन्वेक्शन, और रेडिएशन की बात करेंगे तो इंटरगैलेक्टिक या सोलर सिस्टम में, मतलब कि उसको क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल। ओके टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन का हुआ ना खगोल, सेलेस्टियल। ओके सेलेस्टियल बॉडी के बीच में जो हीट का ट्रांसफर होता है या फिर यहाँ पर भी रूम में भी होता है रेडिएशन। ओके तो तीन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होता है, कंडक्शन कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन में सॉलिड में मेनली ड्यू टू कंडक्शन होता है, दूसरा फ्लूइड की बात करेंगे ड्यू टू कन्वेक्शन, एंड तीसरा जो होता है उसमें क्या होता है विदाउट मीडियम जो होगा, मतलब कि जिसको हीट को ट्रांसमिट होने के लिए मीडियम की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, सो ऐसे मोड को हम रेडिएशन जानते हैं। रेडिएशन बेसिकली जो होता है हाई टेम्परेचर पे जब बॉडी होता है तो हीट ट्रांसमिट करता है रेडिएशन के थ्रू, मेन जो पार्ट है वो थ्रू रेडिएशन ही वो सेंड करेगा, ठीक है जी। सो तीन मोड में याद रखेंगे, सबसे पहले आप पढ़ोगे कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन। मेनली इन सॉलिड, मेनली इन फ्लूइड। फ्लूइड कहने का मतलब लिक्विड प्लस गैस, लिक्विड प्लस गैस, और ये होता है रेडिएशन। डजंट नीड मीडियम। ओके सो इस केस में मेनली इन सॉलिड, इसमें क्या होता है मैटर का ट्रांसमिशन नहीं होता है, नो ट्रांसमिशन ऑफ मैटर। ओके इसमें मैटर का ट्रांसमिशन नहीं होता है, इसमें क्या होता है ट्रांसमिशन ऑफ ऑफ
ऑफ मैटर और ड्यू टू मोशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स। इसमें ईएम वेव जो होता है, वेव के थ्रू जो होता है एनर्जी एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंच जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेडिएशन। ओके, सो जनरली एट जनरली बॉडी एट वेरी हाई टेम्परेचर, जनरली बॉडी एट वेरी हाई टेम्परेचर रेडिएट रेडिएट्स एनर्जी। बॉडी जो होगा बहुत हाई टेम्परेचर पे होता है तो मेजर पोर्शन जो होगा ही जो एनर्जी को रेडिएट करेगा वो थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन करेगा। ओके, थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। बोलो हाय ना, समझ गए बच्चे? हेलो, सो यहीं पे बच्चे आप ध्यान दे लेंगे, तीन तरह के हीट ट्रांसफर होते हैं, तीन तरीके से कर सकते हो आप, थ्रू कंडक्शन, थ्रू कन्वेक्शन एंड थ्रू रेडिएशन। कंडक्शन के लिए क्या कर सकते हो, सॉलिड में जो बेनली होता है, जैसे कि आप ये मान लो कि ये क्या है आपका सस्पेंड का हैंडल है जिसमें चाय बनाते हो, तो उसमें क्या होता है यहाँ से जो हीट बर्नर से जो हीट मिलता है वो क्या होता है थ्रू कंडक्शन आपके इस हैंडल को क्या करता है वार्म अप कर देता है। ओके, उसमें पानी की बात करते हैं, पानी में जो हीट ट्रांसफर होता है फ्लूइड पार्टिकल नीचे अगर आपने रखा है तो क्या होगा, नीचे वाला मॉलिक्यूल हीट लेगा जो पतीले के साथ है लेयर के साथ, और वो क्या हो गया हीट लिया तो वो ऊपर चला जाएगा, उसका डेंसिटी कम हो जाएगा तो वो ऊपर जाएगा और नीचे फिर ठंडा आएगा, फिर वो गर्म होके ऊपर जाएगा फिर नीचे ठंडा आएगा, फिर वो गर्म होके ऊपर जाएगा फिर नीचे, ये साइकिल चलते रहता है। ओके, सो जनरली ये विंड ब्लो करता है या फिर ओशियन वेव भी हो है, वो ड्यू टू कन्वेक्शन ये डिसाइड होता है कि वेव जो है किस तरह से चलेगा, विंड किस डायरेक्शन में जाएगा, ये सब ड्यू टू कन्वेक्शन ये होता है। ओके, तीसरा रेडिएशन, सन से जो हमारे पास सोलर एनर्जी आती है वो क्या होता है थ्रू रेडिएशन होता है, और कोई भी बॉडी जो है जनरली उसका कुछ टेम्परेचर होता है, कुछ ना कुछ अपना रेडिएट करते रहता है एनर्जी। ओके, उसके रिगार्डिंग बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम हीट ट्रांसफर, ट्रैवलिंग ऑफ हीट एनर्जी इन स्पेस, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, हीट ट्रांसफर बोलेंगे। तीन तरीके से होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। अब इसको आप समझ लिए, अब बात करेंगे सबसे पहले कंडक्शन के रिगार्डिंग। चलो, सो हम बात करते हैं कंडक्शन का, तो इसको हम लिखाएंगे नहीं ज़्यादा, आप लोग पढ़ लेंगे। बेसिकली क्या होता है कंडक्शन में कि जैसे मान लो कि ये है, यहाँ पे आपने हीट दिया इसको, इस एंड को, तो यहाँ वाला जो मॉलिक्यूल है सॉलिड में क्या होता है, एटॉम और मॉलिक्यूल अपने स्पेस पे रहता है, अपने फिक्स पोजिशन पर होता है, लेकिन वो वाइब्रेट करते रहता है, समझ गए? सो मान लो कि यहाँ वाला मॉलिक्यूल जो है इसको हीट मिला तो ये वाइब्रेट कर रहा है पहले से ही, और इसके पास एनर्जी ज़्यादा हो गया तो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो अब ये वाला मॉलिक्यूल क्या है, बाजू वाले मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करेगा, ये इसको हीट दे देगा, थोड़ा सा कोलिजन में हीट का एनर्जी का एक्सचेंज होगा ना, तो इसके पास भी एनर्जी आ गया तो ये इसका भी एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। फिर ये बाजू वाले के साथ क्या है, कोलाइड करेगा, फिर इसका भी एनर्जी क्या, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। इस तरह से ये एनर्जी जो है यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, समझ गए?
सो इस केस में मान लो कि जैसे ये हमारा रॉड है, इसमें डिफरेंट एटॉम हम कंसीडर करें, डिफरेंट एटॉम कंसीडर करें। अब यहाँ पे आपने इसको गर्म कर दिया, ओके, यहाँ पे गर्म कर दिया आपने, तो गर्म किया तो ये क्या हुआ, इसका एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ज़्यादा हो गया। फिर ये इसे कोलाइड किया तो ये एनर्जी इसको दे दिया, फिर इसका बढ़ गया तो ये एनर्जी इसको दे दिया, फिर इसका बढ़ गया फिर ये एनर्जी इसको दे दिया, फिर इसका बढ़ गया तो ये एनर्जी इसको दे दिया। इसका मतलब ये जो एनर्जी है यहाँ से यहाँ तक एनर्जी का ट्रांसमिशन हो जाता है। ठीक है जी बच्चे, सो इसको समझ लेंगे, लिख लो, ड्यू टू टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ वन मॉलिक्यूल, वन एटॉम और मॉलिक्यूल इन लैटिस ऑफ सॉलिड, लैटिस ऑफ सॉलिड of one in lattice of solid, the amplitude of oscillation, amplitude of oscillation increases, okay, due to which atoms or molecules, atoms or molecules due to which atoms or molecules atoms or molecules क्या हो गया, share their energy, collides with neighboring atom or molecule and share their energy. And cycle repeat. हो गया जी बच्चे, समझ गए, बोलो। जी बच्चे इसको हम मिटा देते हैं, अब इतना समझ गए, बोलो हाय ना, कंडक्शन क्या होता है समझ गए ना, मेनली ड्यू टू मेनली इन सॉलिड होगा ये,
और इसमें क्या होता है, एक मॉलिक्यूल एनर्जी गेन करता है तो उसका एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन बढ़ जाता है, जिससे नेबरिंग एटॉम या मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करने लगता है और अपनी एनर्जी को शेयर करता है। फिर उसका भी एनर्जी बढ़ गया शेयरिंग से, तो वो उसका भी एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, वो भी अपने नेबरिंग एटॉम एंड मॉलिक्यूल से कोलाइड करेगा, फिर से अपनी एनर्जी शेयर करेंगे। तो यही साइकिल रिपीट होते रहता है और एनर्जी का ट्रांसमिशन एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक होते रहता है। याद रखेंगे इसमें इम्पोर्टेंट ये है, जनरली जो होगा ना मेटल या सॉलिड, which is good conductor of electricity, which is good conductor of electricity is also good conductor of heat due to presence of free electrons. Abundant free electron, okay? गया, यहाँ तक समझ गए? तो जो भी इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होगा वो क्या होगा, हीट का भी अच्छा कंडक्टर होगा। क्लियर है जी? बोलो। सो इसको हम याद रखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर कौन कौन सा होता है बताओ, दो चार क्या जनरली देखते हैं? कॉपर देखते हैं जी, आयरन थोड़ी ना होता है, कॉपर होता है, सिल्वर एंड गोल्ड। जनरली सेलफोन में जहाँ पे आईसी जो सर्किट होता है उसमें अच्छा कंडक्टिंग के लिए, कम हीट जनरेशन के लिए गोल्ड का यूज़ करते हैं हम लोग, समझ गए? सिल्वर एंड गोल्ड का यूज़ करते हैं। सो इसकी बात करेंगे, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंडक्शन में, हम लोग जो पढ़ते हैं बेसिकली, मान लो कि कोई ब्लॉक है और इसको इसके थ्रू क्यू अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसमिट हो रहा है, ओके? क्यू अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसमिट हो रहा है। के जो होता है थर्मल कंडक्टिविटी होता है, क्या थर्मल कंडक्टिविटी होता है? मान लेते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जैसे ये दीवार है तो ये एरिया हो गया दीवार का, और दीवार का थिकनेस होगा तो ए जो होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और हीट का क्या है, ट्रांसमिशन थ्रू वॉल हो सकता है, बाहर से अंदर, अंदर से बाहर हो सकता है। ये जो होगा थिकनेस की बात कर लेते हैं, टी जो होता है थिकनेस, इन अ स्टेडी स्टेट क्या होता है हम बाद में बात करेंगे। फूरियर्स लॉ जो होता है, फूरियर्स लॉ, हाँ कि नाम आपके चैप्टर के लिए आपके सिलेबस में इम्पोर्टेंट नहीं है, सीधा कंडक्शन में पढ़ा जाता है कि हीट, रेट ऑफ हीट
फ्लो, ओके, रेट ऑफ हीट फ्लो इन अ स्टेडी स्टेट कंडीशन. तो फूरियर्स लॉ क्या कहता है कि रेट ऑफ हीट फ्लो जो होगा, मान लेते हैं कि ये टी हॉट है और ये टी कोल्ड है, और टी हॉट माइनस टी कोल्ड जो है डेल्टा टी है, ओके. सो फूरियर्स लॉ क्या कहता है, रेट ऑफ हीट फ्लो, रेट ऑफ हीट फ्लो दैट इज डी क्यू बाय डी टी, क्या डी क्यू बाय डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस, क्या टेम्परेचर डिफरेंस, ओके. एंड दूसरा फूरियर्स लॉ में ही आ जाता है क्या, रेट ऑफ हीट फ्लो, ये हो गया रेट ऑफ हीट फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, रेट ऑफ हीट फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिप्रोकल ऑफ थिकनेस, रेसिप्रोकल ऑफ थिकनेस, या फिर कह सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस ऑफ वॉल, ओके. सो इस केस में यहाँ पे डी क्यू बाय डी टी, यहाँ पे टी है ना भाई, ए लिखा हुआ है, बोलते ना ये डी क्यू बाय डी टी, और ये जो होगा यहाँ पे टी की बात करें तो टाइम, और इसको क्या बोलते हैं, एल बोलते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, थिकनेस को टी नहीं बोलते हैं, एल बोल देते हैं ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ओके. यहाँ पे देखो करेक्शन कर लेना तुम लोग, थिकनेस एल बोलते हैं, ओके, क्योंकि टाइम और ये थिकनेस टी दोनों मैच कर जाएगा फिर दिक्कत हो जाएगा समझने में. सो डी क्यू बाई डी टी इतना होता है फूरियर्स लॉ, आप समझेंगे इन कंडक्शन में बेसिकली आपको यही पढ़ना होता है. हो गया जी, बोलो है ना. तो फूरियर लॉ रेट ऑफ हीट फ्लो की बात करेंगे तो डी क्यू बाई डी टी जो हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी हो जाएगा. यहाँ पे इसको हम मिटा देते हैं, इसका मतलब ये हुआ रेट ऑफ हीट फ्लो, याद रखेंगे रेट ऑफ हीट फ्लो जो होगा डी क्यू बाई डी टी, एक कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ले लेते हैं, और डी क्यू बाई डी टी को क्या लिखा था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए लिखा था ना, तो के डेल्टा टी बाय एल, ओके. ऐसा के क्या होता है, कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी और ये हो जाएगा आपका एंड इज नोन एज थर्मल कंडक्टिविटी. Which depends on nature of material
नेचर ऑफ मटेरियल ओनली। याद रखेंगे थर्मल कंडक्टिविटी, ओके, थर्मल कंडक्टिविटी जो होगा वो क्या होगा, अब यहीं से ये याद रखोगे। अब इसको ही दूसरे तरीके से एक बार और बता देते हैं, चलो इसको हम दूसरी बार दूसरे तरीके से एक बार और बता देते। ये जो है डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस होता है, एल क्या होता है, लेंथ होता है, इसको हम लिख सकते हैं डी टी बाय डी एक्स, इसको हम बोल सकते हैं डी टी बाय डी एक्स या टेम्परेचर ग्रेडियंट, क्या, टेम्परेचर ग्रेडियंट, इसको हम बोल सकते हैं डी टी बाई डी एक्स। याद रखेंगे डेल्टा टी बाई एल मतलब टेम्परेचर डिफरेंस दोनों एंड का और दोनों एंड के बीच का सेपरेशन एल होता है, सो इसको हम डी टी बाई डी एक्स को अगर काउंट करेंगे तो हम इसको बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट, ओके। सो आप कह सकते हैं फूरियर्स लॉ जो है, फूरियर्स लॉ ऑफ फूरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन की बात करेंगे तो फूरियर्स लॉ क्या आएगा बताओ, रेट ऑफ हीट फ्लो डी क्यू बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। हाँ, थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा, याद रखेंगे। एंड डी क्यू बाई डी टी is directly proportional to area of cross section, area of cross section through which heat flow, ठीक है भाई, यही तो लिखा हुआ है बताओ, हाँ या ना, इट मीन आप लोग लिख सकते हैं उसको डी क्यू बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू डी टी बाई डी एक्स एंड डी क्यू बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू ए, सो डी क्यू बाई डी टी आप क्या लिख सकते हैं बताओ, के ए डी टी बाई डी एक्स। और यहाँ पर जनरली हम मान लेते हैं कि अगर रॉड है तो रॉड के इस एंड से हीट इस एंड को फ्लो होता है और इधर जो है क्या है, इंसुलेटेड है, इधर से हीट नहीं जाता है, तो आप एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए और इनटू टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय दिस लेंथ एल, ओके, इस तरह से लिखते हैं। और इसका जो थर्मल कंडक्टिविटी होता है तो रेट ऑफ हीट फ्लो, याद रखेंगे रेट ऑफ हीट फ्लो ये किसका, इसका यूनिट क्या है, पावर होगा ना, क्यू क्या होता है, हीट, हीट क्यू जो होता है हीट और हीट क्या होता है, एनर्जी, ओके। सो आपसे बहुत जनरली पूछ दिया जाता है के का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा बताओ, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ के एंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ टेम्परेचर ग्रेडियंट, ओके। सो जनरली आपसे पूछ दिया जाता है ऐसा यूनिट एंड डायमेंशनल फार्मूला, तो डायमेंशन ऑफ के की बात करेंगे तो ये जो हो जाएगा ये क्या होगा, एच डी क्यू बाई डी टी जो होता है पावर, ऐसा यूनिट जो होगा वाट, ओके। और ये क्या हो गया, ए जो है एरिया और एल जो है लेंथ और डेल्टा टी टेम्परेचर। सो पावर का इसका क्या हो जाएगा बताओ, पावर का क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम एम एल टू टी माइनस थ्री, टी माइनस टू तो एनर्जी, एरिया क्या होता है एल स्क्वायर, एल क्या हो लेंथ एल और ये हो गया के, ठीक है जी बताओ। सो ये हो जाएगा आपका एच
डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू क्या होता है बताओ, के ए डेल्टा टी डी टी बाई डी एक्स। सो डी टी बाई डी एक्स की बात करेंगे तो डी टी बाई डी एक्स का जो होगा के एल माइनस वन, टेम्परेचर का केल्विन, यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी, यहाँ पे के टी एच, कन्फ्यूज कर जाएंगे। ओके सो बेहतर है कि हम के टी एच यूज करें, यहाँ पे क्या के टी एच, क्योंकि उस टेम्परेचर और के टी एच में डिफरेंस है। ओके सो यहाँ से सीधा देखो ये हो गया एम एल टू टी माइनस थ्री, और ये क्या हो गया डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर, ठीक है जी, और ये जो हो जाएगा डिवाइडेड बाय डी टी बाई डी एक्स, तो ये हो गया आपका के एल माइनस वन, ये हो गया आपका के टी एच, के टी एच मतलब कि थर्मल कंडक्टिविटी का इसको मिटा दिया जाए। सो थर्मल कंडक्टिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला देखो तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ तो के टी एच का क्या होगा बताओ तो एम एल टू, एल टू एल टू खत्म हो गया, एल माइनस वन है तो एल हो गया, टी माइनस थ्री के माइनस वन, फटाफट कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग बताओ, हाँ है ना। चलिए बहुत बढ़िया बहुत सुंदर, और एसआई यूनिट की बात करेंगे, एसआई यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी तो क्या होना चाहिए बताओ, ये सिंपली देखो ये क्या है वाट, और ये क्या है जी ये होगा एरिया मीटर स्क्वायर, और ये हो गया मीटर, तो ये ऊपर हो गया मीटर और ये हो गया आपका केल्विन, सो वाट, और ये वाट को हम क्या करेंगे पर मीटर ना, पर मीटर केल्विन याद रखेंगे, वाट पर मीटर केल्विन। नाम लिखा है तो नाम ही लिखो शॉर्टकट, एक बार केल्विन, हो गया जी बच्चे। चलिए आगे बढ़ा जाए, ना हम बात कर लेते हैं स्टेडी स्टेट कंडीशन क्या होता है, तो स्टेडी स्टेट कंडीशन जो होगा स्टेडी स्टेट कंडीशन इसके रिगार्डिंग बात करेंगे। सो स्टेडी स्टेट कंडीशन क्या होता है कि इनिशियली अगर मान लो किया है कि
यहाँ पे आपने इनिशियली हीट एनर्जी दिया, तो ये शुरू में इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा और यहाँ का टेम्परेचर कम होगा, तो फिर धीरे धीरे ये क्या होगा, इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, फिर इसका ये अपना एनर्जी देगा तो इसका भी टेम्परेचर राइज करेगा, फिर ये अपना एनर्जी देगा तो इसका भी टेम्परेचर राइज करेगा, तो इनिशियली हर एक पॉइंट का क्या होगा, टेम्परेचर टाइम के साथ वैरी करेगा, समझ गए, टाइम के साथ इनिशियली मान लो कि यहाँ पे जो एनर्जी दिया तो यहीं तक एब्जॉर्ब हो जाएगा, यहाँ के मॉलिक्यूल वाला एब्जॉर्ब कर लेगा, आगे ट्रांसमिट ही नहीं करेगा, समझ गए, क्लियर है। सो वैसे ही मतलब कि अब लेकिन सर्टेन टाइम के बाद इसको एनर्जी देते रहे तो क्या हो गया, सब कोई अपना मैक्सिमम टेम्परेचर को अटेंड कर लिया, जरूरी नहीं है कि सबका मैक्सिमम टेम्परेचर सेम ही है, 100 डिग्री सेल्सियस नहीं, इसका मान लो इसका अपना मैक्सिमम है 100, इसका अपना मैक्सिमम है 70, इसका अपना मैक्सिमम है 30, ओके, तो सब अपना मैक्सिमम टेम्परेचर अटेंड करके क्या किया, कांस्टेंट हो गया, क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, अब वो टाइम के साथ 30 से ऊपर नहीं जा रहा है, अब वो 100 से ऊपर नहीं जाएगा, अब वो 70 से ऊपर नहीं जाएगा, अब वो 30 से ऊपर नहीं जाएगा, जो कुछ भी हीट यहाँ पर इसको मिलेगा वो सीधा का सीधा सप्लाई कर देगा इधर को, समझ गए, वो सीधा का सीधा इधर सप्लाई कर देगा, तो इस स्टेट को बोलते हैं क्या, स्टेडी स्टेट कंडीशन। सो इसमें तो ये क्या होगा, इन कंडक्टर टेम्परेचर स्टेट ऑफ कंडक्टर इन व्हिच इन द कंडक्टर टेम्परेचर एट एनी पोजिशन रिमेन कॉन्स्टेंट विथ टाइम और टेम्परेचर एट एनी पोजिशन बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। सो heat received in this state heat received by conductor initially क्या होता है, जो heat मिलता है उसको absorb कर लेता है क्या, अपने temperature को raise करने के लिए, अपने temperature को rise करने के लिए ये heat absorb कर लेगा, इधर कोई body लगा हुआ है, इसे चिपका हुआ है तो उसको हीट कुछ मिलेगा ही नहीं, समझ गए, तो इनिशियली ये अपने टेम्परेचर को रेज करने के लिए अपने एनर्जी को कुछ एब्जॉर्ब करेगा, अब जब ये पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा तो अब इसको एक्सेस होगा, तो जितना इधर मिलेगा उतना ये ट्रांसमिट कर देगा, ओके। सो ये याद रखेंगे, हीट रिसीव्ड बाय कंडक्टर इज इक्वल टू हीट सप्लाइड बाय कंडक्टर हीट सप्लाइड बाय कंडक्टर। गया, इसको समझ लिए, बोलो हाय ना, चलिए सो थर्मल कंडक्टिविटी के रिगार्डिंग और भी
जान लेते हैं बाद में हो गया। थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगा? नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा। अगर थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा है तो वो जो है मटेरियल तेज़ी से क्या करेगा, अपने से हीट को फ्लो होने देगा। ओके, सो सबसे इम्पॉर्टेंट है इन कंडक्शन इलेक्ट्रिकल एनालॉजी। ओके, इलेक्ट्रिकल एनालॉजी ये समझना। इलेक्ट्रिकल एनालॉजी में क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट में, इलेक्ट्रिक करंट की बात कर लें, I इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा V बाय R। I होता है करंट और डेल्टा V क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस R होता है रेजिस्टेंस। R क्या होता है, रेजिस्टेंस। सिमिलरली हीट करंट की बात करेंगे तो हीट करंट, ओके, डी क्यू बाई डी टी जो होगा वो क्या होगा, हीट करंट होगा। और इसको आप लिख सकते हो डेल्टा टी और एल बाई के ए, लिख सकते हैं बताओ, हाँ ये ना, एल बाय के ए, के टी एच ए। यहाँ पे देखो ये क्या होगा, डी क्यू बाई डी टी क्या हो गया जी, हीट करंट क्या हो गया, आई के इक्विवेलेंट हो गया, और डेल्टा टी क्या हो गया, थर्मल पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या होगा, थर्मल पोटेंशियल डिफरेंस, थर्मल पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा टी होता है। और एल बाय के टी एच ए की बात करेंगे तो ये देखो ये क्या होगा, क्या थर्मल रेजिस्टेंस है, थर्मल हीट रेजिस्टेंस। समझ गए भाई, बोलो हाँ ना। सो इसका एप्लीकेशन किस तरह से करेंगे अभी हम देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। समझ गए इसको, बोलो हाय ना। चलिए चलो और क्या बात कर लें इसमें। अब देखो जैसे कि मान लो आपका टेम्परेचर डिफरेंस दे दिया, आपका कितना 100 डिग्री सेल्सियस, ये है 0 डिग्री सेल्सियस, और इसकी बात कर लें लेंथ जो है आपका 5 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात कर लें, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है आपका 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है जी, और थर्मल कंडक्टिविटी के टी एच इज व्हाट, इफ रेट ऑफ हीट फ्लो जो है रेट ऑफ हीट फ्लो इज
25 वाट। तो के टी एस कैलकुलेट करना है, क्या होगा बताओ। कितना होगा? चलो तो ये कितना हो जाएगा जी, आसान सा है ये। डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू क्या होता है, के ए डेल्टा टी बाय एल, ठीक है जी। सो इस केस में डी क्यू बाई डी टी दे रखा है आपको, डी क्यू बाई डी टी दे रखा है 25 और ए का वैल्यू भी 0.2 सेंटीमीटर है, जिसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे पहले एसआई में देना है अगर, तो 0.2 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। और यहाँ पर ये याद रखेंगे लेंथ है 5 मीटर। सो यहाँ पे के टी एस की बात करेंगे, डेल्टा टी की बात कर लें तो ये है 100। सो इसको देखो 25 इक्वल टू क्या हो जाएगा के टी एच, और ए का वैल्यू 0.2 × 10⁻⁴, इसका मतलब 2 × 10⁻⁵ इंटू 100 डिवाइडेड बाय 5। सो इट मीन 10⁻³। और के टी एच की बात करेंगे तो ये 25 × 5 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 2 × 10⁻³। तो ये हो गया वो आपका 25 और इंटू, मान लो ये 10³ है ना, तो ये गया तो 1000 हो गया, तो 5 × 500, तो ये हो गया आपका 5 × 5 कितना हो गया जी, 25 × 25 × 25 625 625 100। ये क्या होगा वाट पर मीटर पर केल्विन, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं 6.25 × 10⁴ वाट पर मीटर पर केल्विन लिख सकते हैं इसको। ये आसान सा था। हाँ तो ये डिग्री सेल्सियस में हो जाएगा केल्विन, उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा, केल्विन में भी तो डिफरेंस उतना ही होगा ना, डिग्री सेल्सियस में भी लिख सकते हो इसको। केल्विन में भी टेम्परेचर डिफरेंस पुट करेंगे तो उतना ही रहेगा ना जितना कि डिग्री सेल्सियस में रहेगा, तो कोई फर्क नहीं आएगा। ओके सो इसको हम एज इट इज आने देते हैं। अब इसमें मान लो कि ये जो है आपका है, मान लेते हैं कि 135 डिग्री सेल्सियस, और ये है मान लेते हैं कि -65 डिग्री सेल्सियस, ठीक है जी।
और इसको हम मान लेते हैं ये है अपना फाइव मीटर और ये है अपना 15 मीटर। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर ये कुछ पॉइंट है, यहाँ पे जंक्शन पे टेम्परेचर टी होगा। सो इन स्टेडी स्टेट कंडीशन टेम्परेचर टी एट जंक्शन कितना होगा बताओ। इफ इसको बोल दें ए, रॉड ए और ये बी, इफ ये बी और सी बोल देते हैं, इफ एरिया ऑफ रॉड सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ रॉड बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ रॉड ए। ओके, एंड थर्मल कंडक्टिविटी की बात कर लेते हैं। के सी जो है वो क्या है, 4 टाइम ऑफ सिक्स टाइम ऑफ के बी है। चलो के सी जो है 6 टाइम ऑफ के बी है, तो टेम्परेचर टी क्या होगा जंक्शन पे, तो ये देखो KC इक्वल टू 6 टाइम ऑफ KB हो जाएगा। चलो जी बच्चे इसको समझ लो, ये सिंपल सा है। स्टेडी स्टेट कंडीशन में ये हाई टेम्परेचर पे है और ये लो टेम्परेचर पे है, तो जितना अमाउंट ऑफ हीट इधर से एंटर करेगा उतना ही अमाउंट ऑफ हीट इधर से क्या होगा, बाहर हो जाएगा। सो इसमें भी dQ by dT जो होगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट यहाँ पर होगा, वही रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इसमें होगा dQ by dT। बताओ हाँ है ना, दोनों में सेम होगा जी। सो A के लिए फॉर B के लिए लिखोगे तो फॉर B के लिए dQ by dT आप क्या लिखोगे, ये हायर होगा और ये लोअर होगा। और ये देखो KB की बात करेंगे, सो KB और ये क्या होता है बताओ, एरिया ए भी सेम है और ये जो होगा टी माइनस ऑफ 65। ओके, और डिवाइडेड बाय एल बी और इसको आप लिखोगे के बी ए टी प्लस 65 हो जाएगा और ये जो हो जाएगा आपका 15। क्लियर है जी, ये हो गया dQ by dT। B
बी के लिए देखेंगे तो, और फॉर ए के लिए, फॉर सी के लिए देखोगे तो, फॉर सी के लिए देखो यहाँ पे, ये देखो ये हाई टेम्परेचर पे, ये टी जो है लोअर टेम्परेचर है, और लेंथ 5 मीटर है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, और इसका थर्मल कंडक्टिविटी के सी इसने बोला है। ओके, सो डी क्यू बाई डी टी सेम हीट होगा, डी क्यू बाई डी टी के सी एरिया ए, हायर टेम्परेचर 135, लोअर टेम्परेचर टी डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ए 5, मतलब क्या, दोनों इक्वेशन को इक्वल होना चाहिए। डी क्यू बाई डी टी क्या है, सेम है ना जी, डी क्यू बाई डी टी क्या है, सेम है, तो दोनों के इक्वल होना चाहिए। दोनों को इक्वल करोगे तो यहाँ पे सीधा दिख रहा है क्या कि के सी ए 135 माइनस टी डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू हो गया के बी ए टी प्लस 65 डिवाइडेड बाय 15, और के बी को आप ए ख़त्म कर दो, 5 ये 3 हो गया, के सी को आप क्या लिखोगे, 6 के बी लिखोगे, तो 6 इंटू 135 के बी ख़त्म हो जाएगा, 6 इंटू 135 माइनस टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू टी प्लस 65, बोलो हाँ या ना। तो अब इसको सॉल्व कर लोगे, टी का वैल्यू मिल जाएगा, बोलो, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, टी का वैल्यू मिल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में स्टेडी स्टेट कंडीशन में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखेंगे, उसको इलेक्ट्रिकल सर्किट की तरह बिहेव, इलेक्ट्रिकल सर्किट की तरह हम ट्रीट करेंगे, क्या इलेक्ट्रिकल सर्किट की तरह ट्रीट करेंगे आप लोग, जिस तरह से इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट डिवाइड होगा वैसे ही हीट करंट डिवाइड होगा आगे। हालांकि इलेक्ट्रिकल सर्किट आप लोग ट्वेल्थ में पढ़ोगे अच्छे से, अच्छा 3 डिवाइड होगा ना, हाँ सही बात बोल रहे हो, यहाँ पे 3 डिवाइड होगा जी। सो इसका मतलब हुआ 18 इंटू 135 माइनस टी इक्वल टू टी प्लस 65, सो ये हो गया 18 इंटू 135 प्लस माइनस 65, और ये हो गया आपका 19 टी हो गया। सो इसको कैलकुलेट कर सकते हो आप, टी का वैल्यू कितना आया, 12430। चलो जी इसको याद रखेंगे एज इट इज, 124 नहीं, देखो यार कितना आएगा ये 2, कितना 18t, और ये आ गया तो 19t हो गया, और ये इधर गया तो इतना हो गया, 18 इंटू 135 कितना होता है देखो 2430 माइनस 65 करो, ये कितना हो गया जी 5 और 6 3 2, तो टी डिवाइडेड बाय 19 कर दो, देखो तो कितना होगा 146 हो जाएगा, 2 और 38 फिर ये 8, हाँ 124-125 के आसपास आएगा, क्लियर है। चलो तो इस तरह से आप समझेंगे इसको, हीट करंट की जैसा देखेंगे, ये हीट करंट इसमें जो होगा वही हीट करंट होगा, तो हम क्या है इसके लिए हीट करंट लिख लें, इसके लिए हीट करंट लिख लें, दोनों को इक्वेट कर देंगे, टेम्परेचर हमारा मिल जाएगा, समझ गए, क्लियर है जी।
ना हम बात करेंगे इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी का, याद रखेंगे इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, ओके, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। मान लो कि बहुत सारा एक दीवाल है, उसके बाद आपने क्या कुछ घास फूस लगा रखा है, उसके बाद उस पे पेंटिंग मिट्टी लेप रखा है, उसके बाद आपने पेंटिंग कर रखा है, इस तरह से बहुत सारा लेयर है, ओके। सो इस केस में सबका जो है K1, K2, K3, K4 और सपोज सबका एरिया जो है A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A3 इक्वल टू A4 मान लेते हैं कि इक्वल ले लेंगे, ओके, नहीं तो अलग अलग भी हो सकता है इसमें। सो ये जो होगा L1 इसका लेंथ थिकनेस, ये L2 इसका थिकनेस, ये L3 इसका थिकनेस, ये L4 इसका थिकनेस। अगर ये हॉट है और ये कोल्ड है, ओके, कोल्ड साइड, तो हीट जो फ्लो करेगा इससे फ्लो करेगा, स्टेडी स्टेट कंडीशन में सब में हीट करंट का वैल्यू देखेंगे dQ/dt जो इसमें होगा वही वैल्यू dQ/dt इसमें होगा, वही वैल्यू dQ/dt इसमें होगा, वही वैल्यू dQ/dt इसमें होगा, ओके। सो उसको हम याद रखेंगे। तो अब यहाँ पे देखो, आप इसको इलेक्ट्रिकल सर्किट की तरह भी देख सकते हो कि एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस, तीन रेजिस्टेंस, चार रेजिस्टेंस, और यहाँ पर ये टेम्परेचर डिफरेंस जो है पोटेंशियल डिफरेंस जैसा होगा, और यहाँ से जो करंट जाएगा वो चारों रेजिस्टेंस से। तो इसका मतलब ये जो है इस तरह का कम्बिनेशन हो रहा है, ये क्या है, सीरीज कम्बिनेशन, सीरीज कम्बिनेशन में, ओके। सीरीज कम्बिनेशन में देखोगे, याद रखोगे ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, तो R इक्विवेलेंट आप क्या लिखते हो, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 एंड सो ऑन, ऐसा लिखते हैं जी, बोलो हाय ना। सो इस केस में यहाँ पे देखो R1 की बात करेंगे तो R1 जो होगा L1 बाय K1 A1, R2 जो होगा वो क्या हो जाएगा L2 बाय K2 A2, एंड R3 जो होगा हमारा L3 बाय K3 A3, ठीक है जी बच्चे, एंड R4 जो हो जाएगा हमारा L4 बाय K4 A4, बोलो हाय ना, हेलो। अब क्या कहेगा, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी काउंट करने के लिए बोलेगा, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी काउंट करने के लिए बोलता है। तो सपोज क्या आपको उसमें इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी की बात करेगा तो इसमें उसका कुछ एरिया दे देगा, मान लेते हैं कि एरिया सबका इक्वल है, ओके, एरिया सबका क्या है इक्वल है, और लेंथ या थिकनेस जो है अलग अलग है। अब इस सब को कहता है थिकनेस वही रहेगा, सबका थिकनेस जो होगा इक्विवेलेंट को अगर सब्स्टिट्यूट भी करें, मान लो कि सारे मटेरियल को हटा के एक ही मटेरियल हमें रखना है, थिकनेस और एरिया सेम रहेगा, तो उसका थर्मल कंडक्टिविटी हमें जानना है, ओके। सो यहाँ पे L की बात करेंगे तो टोटल जो होगा L इक्वल टू क्या हो गया, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 हो गया टोटल, ओके। अब इसमें मान लेते हैं कि K इक्विवेलेंट की बात कर लेते हैं, इक्विवेलेंट जो है थर्मल कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी K की बात कर लेते हैं, तो ये जो हो जाएगा आपका ओके के इक्विवेलेंट लिख लेते हैं। सो अब जैसे कि इसको हमें हटा के एक ही रेजिस्टेंस को यूज करना है तो आप इसमें क्या करते थे, R लिखते थे, बोलो हाय ना। सो उसके इसमें R को लिखेंगे तो R क्या हो जाएगा जी, L बाय K इक्विवेलेंट इनटू A, ओके। अब हम मान लेते हैं कि यहाँ पे A इक्वल है सब, सो इस केस में आप L को लिखेंगे तो L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 डिवाइडेड बाय K इक्विवेलेंट और इनटू A, ओके। सो इसको देखो आप सबको पुट कर दोगे एक साथ तो क्या लिखोगे आप, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 डिवाइडेड बाय K इक्विवेलेंट A
और ये होगा एल वन बाय के वन ए वन, ए वन को हम ए मान लेते हैं तो चल जाएगा काम, एल टू को एल टू के टू ए टू, ए टू को भी ए कंसीडर कर लेते हैं, आर थ्री जो होगा एल थ्री के थ्री ए हो जाएगा, आर फोर जो हो जाएगा एल फोर के फोर ए हो जाएगा, ए ए कॉमन है सब में, कैंसल आउट हो जाएगा, समझ गए। इसको एक बार पॉज करके आप लोग देख सकते हो अच्छे से सीरीज कम्बिनेशन में। अब इसको इस तरह से किया है आप, सीरीज रजिस्टर आपने टेंथ में कंबाइन करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस काउंट करना सीखे होंगे, उसका यूज़ करोगे कंसेप्ट सीरीज में। आर इक्वल टू क्या होता है, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस आर फोर, ऐसा ही कुछ होता था ना जी, बोलो हाय ना। सो बेसिकली सीरीज कम्बिनेशन में आपको याद रखना है एक जनरल फार्मूला, तो ऐसे करेंगे नहीं, कुछ सब कुछ डिफरेंट है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी डिफरेंट है, लेंथ भी डिफरेंट है, तो आप सबका आर वन आर टू आर थ्री कैलकुलेट कर लोगे, और सीरीज है तो आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री सेपरेटली कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एल वन प्लस एल टू प्लस एल थ्री प्लस एल फोर एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय क्या होगा, के इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा, एल वन बाय के वन प्लस एल टू बाय के टू प्लस एल थ्री बाय के थ्री एंड सो ऑन। ओके समझ गए, ये याद रखेंगे इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी यहाँ पे याद रखेंगे। L क्या होता है, सेपरेशन अक्रॉस द वॉल, सो फॉर टू मटेरियल या टू वॉल के लिए अगर हम बात कर ले तो L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय K इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा L1 बाय K1 प्लस L2 बाय K2, एंड इफ मान लेते हैं कि L1 इक्वल टू L2 हो गया तो ये क्या हो जाएगा L, तो ये हो जाएगा 2L बाय K इक्विवेलेंट इक्वल टू L बाय K1 प्लस L बाय K2, ठीक है जी। इसका मतलब ये हो गया कि आपका L L कैंसिल हो गया तो 2 बाय K इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाय K1 प्लस 1 बाय K2, इट मीन के इक्विवेलेंट की बात करेंगे तो के इक्विवेलेंट जो हो जाएगा आपका टू वॉल सिस्टम के लिए, याद रखोगे टू वॉल सिस्टम के लिए के इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, बताओ जी, जनरल फॉर्मूला तो यही रहेगा। टू वॉल सिस्टम के लिए जिसमें L1 इक्वल टू L2 है, A1 इक्वल टू A2 है, K इक्विवेलेंट जो हो जाता है 2K1 K2 बाय K1 प्लस K2।
ये क्या हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया, समझिए बच्चे। अब इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन भी होगा कि मान लो कि ये वॉल है, नीचे में आपने फ्लोर से लगा हुआ, नीचे में कोई और मटेरियल लगाया है जी, ओके, और ऊपर में जो है आपने कोई और मटेरियल लगा रखा है, ठीक है, आधा हम कुछ और लगा रखे, आधा इसके ऊपर कुछ और लगा रहे, अब हीट इधर से उधर हो सकता है। तो इस केस में देखो ये क्या होगा, दोनों के लिए L1 इक्वल टू L2 इक्वल टू L हो जाएगा, बोलो हाँ है ना, उसमें तो चेंज नहीं होना, ये पूरा का पूरा यही होगा ना। और यहाँ पे देखो एरिया की बात करेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिवाइड हो जाएगा ए वन प्लस ए टू, सो वॉल इन पैरेलल। वॉल इन पैरेलल करने का मतलब क्या होगा, टेम्परेचर पैरेलल करने का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस पहले ही आपको बताया क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस, ओके। पैरेलल करने का मतलब क्या हुआ कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द रेजिस्टर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द रेजिस्टर, इसको अच्छे से देखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द रेजिस्टर शुड बी इक्वल, ओके। सो ये देखो R1, R2, R3, इसका भी देखो ये सीधा इसी टेम्परेचर डिफरेंस पे है इस तरह से, इसका टर्मिनल देखो R2 का सेम टेम्परेचर डिफरेंस पे, R3 का टेम्परेचर डिफरेंस देखो तो सेम टेम्परेचर डिफरेंस पे, ओके। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस को या टेम्परेचर डिफरेंस, थर्मल करंट के लिए रिगार्डिंग बात करेंगे तो टेम्परेचर डिफरेंस। सो इस केस में क्या होगा, जनरल हम लिखेंगे तो R जो होगा 1 बाय R इक्विवेलेंट क्या लिखोगे, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 लिखते हैं ना जी, 1 बाय R3 लिखेंगे। इसका मतलब यहाँ पे 1 देखो, यहाँ पे लेंथ तो चेंज नहीं होना, लेंथ क्या है चेंज नहीं होना, सबका लेंथ तो वही रहेगा, तो L बाय K इक्विवेलेंट और टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया देखो A होगा, इस केस में एरिया जो होगा डिवाइड होता है, यहाँ पे याद रखेंगे L1 इक्वल टू L2 इक्वल टू L3 होगा, लेकिन A इक्वल टू क्या होगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 एंड सो ऑन। सो यहाँ पे ये क्या होगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड सो ऑन, टोटल एरिया हो गया, ये हो गया आपका L by K1A1, L by K2A2, L by K3A3, लेकिन यहाँ पे ये क्या है, ये 1 by R1 लिखना है ना हमें, क्या लिखना है, 1 by R1 लिखना है, तो यहाँ पे हम लोग मिस्टेक कर रहे थे जब ही, हाँ उसको भी लिखेंगे, सो 1 बाय R1 लिखेंगे तो 1 बाय R इक्विवेलेंट लिखेंगे तो L बाय K इक्विवेलेंट इनटू टोटल एरिया A, और ये होगा, ये होगा 1 बाय R1 L 1 बाय K इक्विवेलेंट A, सॉरी K1 A1 1 बाय L2 K2 A2 1 बाय, अच्छा इधर नहीं दिखता है, अच्छा उधर थोड़ा सा घुमा दो कैमरा, आ गया, बस बस हाँ ठीक है। सो ये हो गया आपका 1 बाय एल के इक्विवेलेंट ए इक्वल टू 1 बाय एल वन के वन ए वन प्लस 1 बाय एल टू एंड सो वन, ऐसा चलते रहेगा, ओके। तो इसका मतलब ये वाला जो है के इक्विवेलेंट ऊपर जाएगा, के इक्विवेलेंट ए इक्वल टू क्या होगा, के वन ए वन प्लस के टू ए टू प्लस के थ्री ए थ्री एंड सो ऑन, याद रखेंगे, ओके। अब यहाँ पर ये याद रखोगे, ये इम्पोर्टेंट है, पैरेलल में ए क्या होगा, ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री एंड सो ऑन इक्वल टू
K1A1 प्लस K2A2 प्लस K3A3 याद रखेंगे। हो गया। सो इसका अगर टू वाल के लिए लिखेंगे, फॉर टू वाल सिस्टम के लिए, टू लेयर सिस्टम, टू वाल नहीं, टू लेयर सिस्टम, टू वाल सिस्टम नहीं होना चाहिए था, टू लेयर सिस्टम। सो ये K1, K2 और ये है A1, ये है A2। सपोज A1 इक्वल टू A2 कर देंगे, सो A इक्वल टू हो जाएगा टू ए डैश। ओके, सो ये हो गया K इक्विवेलेंट इक्वल टू इनटू टू ए डैश इक्वल टू K1 ए डैश, K2 ए डैश। यहाँ से हो जाएगा K इक्विवेलेंट इक्वल टू K1 प्लस K2 बाय 2। याद रखेंगे इस केस के लिए के इक्विवेलेंट K1 प्लस K2 बाय 2। दो लेयर अगर क्या है, पैरेलली है, दो लेयर क्या है, मान लो कि हो गया जी। बहुत बढ़िया, दो लेयर पैरेलली है। ओके, सेम टेम्परेचर डिफरेंस के लिए, मान लो कि एक तुम यहाँ पे लाल मिट्टी डाल दिए, फिर चूना डाल दिए, फिर मिट्टी डाल दिए, फिर कोयला डाल दिए, फिर कंक्रीट डाल दिए, सबका अलग अलग होगा, फिर सीमेंट डाल दिए, समझ गए? एक लेयर से दूसरा लेयर दीवार बना रहे हो इस तरह से, ऊपर नीचे से ऊपर। तो इसमें थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगा, K1 प्लस K2 बाय 2 दो लेयर सिस्टम के लिए। और जनरल वाला ये याद रखेंगे, जनरल वाला जो है ना इसको याद रखोगे जनरल में। सो L बाय K A क्या होगा, थर्मल रेजिस्टेंस। क्या होगा जी? थर्मल रेजिस्टेंस याद रखोगे, L बाय K A क्या होगा, थर्मल रेजिस्टेंस होगा बच्चे, और इसको आप याद रखोगे। Yeah.